गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्या बोलना आज जो है बहुत खुशी वाली दिन है और हम लोगों ने आज जो है होटल से ऑर्डर किया है और जो होटल से ऑर्डर किया वो चीज़ क्या है हम दिखाते हैं आप लोगों को। अब जो है ये रहा जो हम ऑर्डर किए हैं। कौन सा होटल था भाई? अजीबा, ये फदवा होटल से किया है। फदवा होटल, तो अब दिखाते हैं हम क्या भाई ये अकेला खाएगा। इसका नाम क्या है? क्या देना है इंसान? और इसमें देख सकते हैं ये जो है टोटल 1.5 से 2.5 किलो है और इसमें जो है हमारा चिकन है। चिकन अभी हम इसको भी दिखाते हैं आप सबको। पहले इसको दिखा दो तो ये देख सकते हो देना जा क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ ये दिया जाता है, ये बताओ क्या चीज़ है। अब खाना खा करके बताएगा कि कैसा टेस्ट है। चल इसका मुंह देख ला। अब ये डालना, ये डालना, ये भी निकाल ना। ये जो है ये वाइट सॉस है और ये जो है रेड सॉस है। सॉरी मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। चलो आप देखते हैं इसको और ये बिरयानी के साथ जो है मिला करके खाने में जो मज़ा आता है कुछ कहने का नहीं। अब ये है लेग पीस चिकन और ये रहा रेड सॉस, ये है वाइट सॉस और सब मिला करके जो एक बार खाया जाएगा। दिखाता हूँ मैं क्या लगता है खाने में। थोड़ा सा लिया वाइट सॉस, थोड़ा सा रेड सॉस, अब लेता हूँ ये देख लो पूरी तरीके से पका हुआ। जो है हम लोगों ने कुछ स्पेशल बना रहा है तो दिखाता हूँ। ये है तेंगा, ये नारियल है डाब और डाब को जो है अभी 4-5 डाब पर वो तोड़ करके अच्छे तरीके से उसका जूस बना। ये रहा जूस, ये देख सकते हो। और ये है अब जो हम पीने के लिए चाह रहे हैं, दिखाता हूँ पी करके कैसा लगता है। और मैं बता दूँ तो ये देख सकते हैं इसको भी डाला हूँ इसलिए कि थोड़ा से छक्छकाक लगे। और अब जो है बनने वाला है ये अपने खेती का प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने खुद से रोप करके बनाया था। आप सब इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो इसका भी वो जूस बनने वाला है। और ये रहेगा बनाना विथ मिल्क, मिल्क इज द मिल्मा, ये मिलेगा। और उसके बाद जो है मैं ये भी इस्तेमाल करूँगा, फिर बना करके दिखाता हूँ कैसा लगता है। पहले इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। वेल सेट
एंड तो बहुत मज़ेदार है भाई, आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। इसमें कुछ नहीं है बल्कि आप बस आपको जितना डाब चाहिए वो लो, ग्रीन कोकोनट, और उसके बाद जो घर में होगा दूध होगा तो दूध मिला लेना। और मैं बता दूँ कि मिल्मा हुआ या अमूल हुआ ये जो है परफेक्ट होता है ये सब जूस के लिए, तो इस्तेमाल करने अगर घर में बनाना है तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। और जो है आपको जो मैं दिखाया पूरा टोटल जो हो करके ये जो बना करके रखा हुआ है ये देख सकते हो कितना गाढ़ा हुआ है, ज़बरदस्त है भाई। बस तीन चार नारियल ले लो और एक पैकेट दूध ले लो, और अगर आपको चाहिए ये तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितना है चलते हैं मतलब गाइस जो केला है सारा डल चुका है और अब जो है मिक्स करने वाला हूँ, इसका भी स्कीम मैं आप सबको बताऊंगा। इसका स्कीम ये है कि केला डालो दूध चाहे अमूल हो मिल्मा हो कोई भी हो, लेकिन पैकेट वाला होना चाहिए। और अगर केला कस्सा है तो थोड़ा चीनी डाल दो भाई, चीनी डालने से क्या होगा कस्सा अपन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास बूस्ट है तो बूस्ट डाल दो, और उसके बाद वेल शेक करो मिक्सी में डाल करके अच्छी तरीके से उसको। और जो है अब हो गया है हमारा मिल्क बनाना जूस, दिस इज़ द मिल्क बनाना जूस। अब मैं आप सबको पी करके दिखाता हूँ कैसा लगता है मिल्क बनाना जूस। अब हम चलते हैं निकलते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। गाइस लाइट चल गई है हमारे यहाँ और देखो टॉर्च जला जला करके काम हो रहा है, लाइट जो है अभी भी गई है तो देख सकते हो परछाई। टेस्ट कैसा है अंधेरे में ही बताएगा मेरा भाई, टेस्ट कैसा है? बिजोड़ है, मस्त है, खतरनाक भाई साहब। लाइट चल गया है फिर भी मैं आप सबको करके दिखा रहा हूँ, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है यार, ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। तो गाइस बनाना मिल्क जूस अभी हम पी के दिखाते हैं, वेल शेक एंड वेल ड्रिंक। आज जो है इसका कट्टी थोड़ा ज़्यादा हो गया, जबरदस्त है भाई साहब।